हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सीटी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस बार एग्जाम की जो डेट है इन्होंने जल्दी रिलीज कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या पूरा नोटिफिकेशन है एंड आपको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो भाई, जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि एमबीए और एमएमएस जो कोर्स है, इनका जो एमबीए एंट्रेंस होता है जिसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र सीटी का पेपर, वो इस बार हो रहा है 14th और 15th मार्च। तो 14th एंड 15th मार्च 2020 में ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो हमारे पास एम्पल टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए, उसके दो रीजंस है। पहला रीजन ये है कि भाई ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एलआर का डोमिनेंस रहता है, बेसिक एलआर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहता है। जिन लोगों का क्वांट्स बहुत वीक है भाई, जिन लोगों का क्वांट्स बहुत वीक है कि भाई सर हमें क्वांट्स तो आता ही नहीं, ये पेपर आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहां पे क्वांट का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा कम रहता है। सेकंड रीजन, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है एंड इस वजह से आप यहां पे अगर थोड़े बहुत तुक्के भी मारो एंड थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओ तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। नंबर थ्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जब भी किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं हमें उस एग्जाम के साथ कॉलेजेस के फॉर्म भरने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को, सीटी का जब हम पेपर का फॉर्म भरते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम एलिजिबल हो जाते हैं जितने भी कॉलेज हैं उनके एमएमएस कोर्स के लिए। भाई सीटी से महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं वो सीटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब वहां पे दो कोर्सेज होते हैं, एक तो होता है एमबीए या बोल दो आप पीजीडीएम, या होता है एमएमएस। जो एमएमएस है उसका फीस स्ट्रक्चर कम रहता है, कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है एंड इस कोर्स के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। एज सून एज यू फिल सीटी आप ऑटोमेटिकली एमएमएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपको किसी कॉलेज में एमबीए पीजीडी में भी अप्लाई करना है तो आपको उस कॉलेज का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जाम का फॉर्म भरना है एंड आप सारे के सारे कॉलेजेस के एमएमएस कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए हो, दैट इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे फोर्थ चैलेंज आप लोगों को जो आता है वो ये है कि सर यहाँ पे ओएमएस की कितनी सीट्स हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, यहाँ पे तो महाराष्ट्र का कोटा रहता है, क्या पूरा सिस्टम है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या रहता है, क्योंकि भाई महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस है वहां के लिए कोटा रहता है, डेफिनेटली रहता है। अब प्रॉब्लम आता है सब ऑल इंडिया है या आउटसाइड महाराष्ट्र है तो क्या हम एंटर कर सकते हैं क्या, क्योंकि भाई हमने तो ये सुना है कि 85% सीट महाराष्ट्र की होती है। मैं कह रहा हूं कितनी भी होती हो हमें उससे क्या करना है, हमारे सामने कट ऑफ है और मुझे अपने कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, इस बात को माइंड में लेके चलो। तो इतना मत सोचो कि उनके लिए कट ऑफ कम जाएगी, मेरे लिए ज्यादा जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र के हो वेल एंड गुड, आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड महाराष्ट्र हो एंड ऑल इंडिया कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी तो आपको सिर्फ एक ही सीट पर फोकस करना है ना। तो चाहे हर कॉलेज में 10 सीट हो, 20 सीट हो, 30 सीट हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें बस पेपर क्रैक करना है, कट ऑफ को क्लियर करना है एंड उस कॉलेज में एंटर करना है। ऐसा तो नहीं है वहां पे कोई नहीं जाता, ऐसा तो नहीं है ना, वहां पे भी लोग जाते हैं। एंड अगर आप पहले से सोचोगे नहीं यार वहां पे तो सीट कम है, यहाँ पे सीट ज्यादा है, तो फिर ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए मुझे भाई अपनी एक सीट चाहिए। नंबर फाइव जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं भाई, आप सिडनम की बात कर लो, केजे सोमाया की बात कर लो, वेलिंगर की बात कर लो, जेबी की बात कर लो, तो काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, एंड हमारे पास टाइम भी है, 14-15 मार्च को पेपर है, तो इसीलिए सारे के सारे एक पैरामीटर जो है, एक हमारे पॉजिटिविटी के लिए पैरामीटर है, हमारे सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक एग्जाम आ रहा है। अच्छी बात यह है कि डेट्स रिलीज हो गई है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओ, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब अगर पूरे एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यह पूरा एग्जाम रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। 4 सेक्शन रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन एलआर के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके क्वांट्स होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके वर्बल होते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो आपका लॉजिक है वो बेसिक और एडवांस दोनों आएगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है विजुअल रीजनिंग, अगेन एलआर का ही कंपोनेंट है, जिसमें 4 इमेजेस दे रखी, आपको 5th वाली फाइंड करनी है, जब 5 इमेजेस दे रखी 6th वाली फाइंड करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका डीआई और डीएस भी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशियंसी। तो अगर आप एक्चुअल क्वांट देखोगे तो उसके तो सिर्फ आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन डाटा कंपैरिजन के, डाटा इंटरप्रिटेशन के, डाटा सफिशिएंसी के होंगे। तो कोर क्वांट्स अगर आपका वीक है तो ये एग्जाम आपको क्रैक करना चाहिए। उसके बाद वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें भाई आपको वोकैबुलरी, आरसी ये सब आना चाहिए। 200 क्वेश्चन है, 2.5 आवर्स का आपका पेपर होता है, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड भाई इस
कोर्स की, इस एग्जाम की, भाई पूरा का पूरा मैं क्रैश कोर्स अभी रन करने वाला हूं, जिसमें भाई मेरा फोकस रहेगा सीटी का एग्जाम। इसी एग्जाम के हिसाब से पूरा कोर्स बनाया गया, जिसमें एलआर के सारे टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सारे टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी ताकि आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो सको। इस एग्जाम में मोर देन आपको भाई एक चीज देख चलो, यहाँ पे स्पीड चाहिए आपको सिर्फ। अगर आपने अच्छी स्पीड बना ली तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कट ऑफ्स, कॉलेजेस की डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन एक बात मान के चलो कि ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जाना है। अगर आपका क्वांट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, टाइम है, प्लान कर लो कैसे करना है। जब कोर्सेज आएंगे तो चैनल पे वीडियो पे डिटेल्स आ जाएंगी, तो बिल्कुल अपडेटेड रहना है। टेस्ट सीरीज आ चुकी है ऑलरेडी, तो वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो studybus.co.in, एंड यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा भाई अभी जो मोटो है भाई, बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे एग्जाम्स लाइंड अप है, तो उनकी तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई अगले साल जाना है, नेक्स्ट ईयर जाना है, इसी साल जाना है, डेफिनेटली जाना है। और जो मुझे एक सीट चाहिए मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में, वो मुझे लेकर आनी है। तो दिस शुड बी द एजेंडा, एंड इसी एजेंडा के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।